नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BHU वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि हम लोग आप लोगों के लिए एक कैप्सूल कोर्स ला रहे हैं और जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है और बूस्ट होगी। तो इस कैप्सूल कोर्स में खासकर BSc के लिए मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, BSc AG, मैथ, बायो, नर्सिंग, इन सब के लिए। देखिए, इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें दो चीज़ें आप लोगों को कराएंगे। पहला चीज़ ये होगा आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज होगी, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, या इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए, हम लोग जो भी क्वेश्चंस कराएंगे उससे हम लोग का मतलब ये होगा कि उस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो भी आप कर लें, उससे रिलेटेड हम आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे ताकि अगर इसके टाइप के कोई क्वेश्चंस आए तो भी आप एग्जाम में कर लें। और दूसरी चीज़, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे भी टॉपिक्स को हम लोग वीडियो के माध्यम से आपका कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में सबसे पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला जो सीरीज है उसका पहला वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको कराऊंगा। देखिए, हर एक वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चंस आपको कराए जाएं, ठीक है, और जितना हमसे मैक्सिमम हो पाएगा वो हम आप लोगों के लिए देंगे। तो देखिए, और जितने भी ये क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस का PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप क्वेश्चंस आराम से देख सकते हैं। बाकी आपको स्क्रीन पर भी क्वेश्चंस जो हैं वो दिख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे, और क्वेश्चंस सॉल्व करने ज्यादा इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश करिएगा, वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, बिना कुछ टाइम बर्बाद किए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस अपना स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है वो है आपका यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है बॉन्ड एंगल से रिलेटेड। वो कह रहा है कि इसमें बताना है आपको कि बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा, ठीक है, इसमें आपका आपको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर सेट करना है। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि बॉन्ड एंगल का हम लोग ऑर्डर सेट कैसे करते हैं। देखिए, मैं इसका एक बहुत ही तरीका, एकदम सटीक तरीका बता देता हूं, सीधा वही अप्लाई करिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कभी भी आप अगर बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है कि SP हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, SP2 में कितना होता है, 120 होता है, और SP3 में कितना होता है, 109 डिग्री के आसपास होता है। और इसके बाद जो आते हैं, इसमें क्या आते हैं, ड्रैगोज मॉलिक्यूल एक चीज होती है, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। ड्रैगोज मॉलिक्यूल क्या होता है, ड्रैगोज मॉलिक्यूल होता यह है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें आपका बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, लगभग 90 डिग्री, ठीक है। और ये कौन कौन से होते हैं, इसमें आपका होता है PH3, ये याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से होते हैं, ASS3, SBS3, BIS3, ठीक है, और इसमें आपका होता है H2S, H2SC एंड H2TE, ठीक है। इतने जो होते हैं ये आपके ड्रैगोज मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब इन सब में जो है आपका जो बॉन्ड एंगल होता है वो लगभग 90 डिग्री होता है, मतलब ये सबसे लीस्ट बॉन्ड एंगल इसमें जो होता है वो ड्रैगोज मॉलिक्यूल में सबसे लीस्ट बॉन्ड एंगल जो है वो होता है, ठीक। तो सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन देख लेना है, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन देखने के बाद आपको क्या देखना, अगर मान लीजिए आप कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है सर कि सब के सब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, मतलब सब SP3 हो या सब SP2 हो, तब क्या करेंगे, अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन है देन यू हैव टू गो फॉर NBPR, ठीक है। अब आप कहोगे ये क्या सर, ये होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग NBPR, देखिए क्या होता है, इसको मैं समझा देता हूं आप लोगों को। देखिए, NBPR क्या होता है कि इसको मैं ऊपर यहां बता देता हूं आपको NBPR के बारे में। देखिए, NBPR क्या है आपका, देखिए NBPR क्या होता है कि अगर आपका साइड एटम, कोई भी आपका मॉलिक्यूल है, अगर उसमें साइड एटम जो होता है, साइड एटम अगर मान लीजिए वो आपका बल्की है, ठीक है, कैसा है, बल्की है, और जो आपका सेंट्रल एटम है वो स्मॉल है, सेंट्रल एटम कैसा आपका, स्मॉल है। अब आप कहोगे सर हम बल्की किसको कहें, स्मॉल किसको कहें, देखिए स्मॉल क्या होता है कि हमेशा जान लीजिए कि जितने भी सेकेंड पीरियड के होंगे
वो जितने भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं वो आपके कैसे होंगे, स्मॉल आएंगे, जैसे आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये सब कैसे समझे जाएंगे, स्मॉल है। और जो आपका ये बल्की होता है, बल्की बल्की का मतलब क्या होता है कि जो आपके थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड के आगे वाले, ठीक है, थर्ड या थर्ड पीरियड से आगे, इसमें देखिए मोस्ट कॉमन जैसे आपका Cl है, Br है, ये सब है, और इसमें आपके इस तरीके के जैसे मेथिल ग्रुप है या इथिल ग्रुप लगा दिया जाए, तो ये सब जो ग्रुप लगते हैं ये सब कैसे होते हैं, बल्की ग्रुप होते हैं, ठीक है। ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ पर NBPR लगता है, इसमें होगा क्या, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करूँ केस, बात करूँ OCl2 का, ठीक है, OCl2 है आपका जो सेंट्रल एटम है, सेकंड पीरियड का स्मॉल है, और जो आपके एलिमेंट ये लगे हैं ये आपके कैसे हैं, जो आपके साइड एटम है वो कैसे हैं, बल्कि हैं, थर्ड पीरियड के हैं। तो होता क्या है कि इनके बल्कि होने की वजह से इन दोनों में आपस में रिपल्सन होता है, ठीक। रिपल्सन होगा तो क्या होगा बताइए, अगर ये दोनों लोग रिपल कर रहे हैं तो ये जो बॉन्ड एंगल है थीटा, ये क्या होगा, बढ़ेगा। आप खुद सोचिए, अगर रिपल्सन एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो क्या होगा, जब रिपल्सन लगेगा तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां आप मेरा मतलब थोड़ा सा समझ गए होंगे कि मैं आपको NBPR मतलब क्या बताना चाह रहा था। तो कुल मिला कितना समझ जाइए कि NBPR से क्या होगा, आपका बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, जिसमें साइड एटम आपके अगर लार्ज होंगे और सेंट्रल एटम आपका स्मॉल होगा, उस केस में जो है आपका, उस केस में जो है आपका बॉन्ड, हाँ, तो ये हो गया कि अगर NBPR आपका, अगर NBPR प्रेजेंट है देन बॉन्ड एंगल जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि NBPR ना प्रेजेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। NBPR नहीं प्रेजेंट होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, चले जाएंगे उसके बाद हम लोग अपने वेस्पर थ्योरी पे चले जाएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहते हैं, उस पे हम चले जाएंगे। अब देखिए वैलेंस, इसमें हम लोग कैसे चेक करते हैं, देखिए इसमें तीन पॉइंट्स आते हैं हमारे पास, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, तीन पॉइंट्स का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। देखिए अब मैं नीचे आपको बता देता हूँ कि क्या होते हैं वेस्पर के तीनों पॉइंट्स आराम से, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन आपका सेम है, ठीक है, पहली कंडीशन जरूर होगी लगाने की, वो ये होगी कि सेम हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, सेम हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, सेम हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जो आपका बॉन्ड एंगल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लोन पेयर्स के, ठीक है, मतलब जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना कम बॉन्ड एंगल होगा, सीधी सी बात है, लोन पेयर का जब रिपल्सन लगेगा तो आपका बॉन्ड एंगल जो होगा वो घटेगा, ठीक। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि मान लीजिए अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन भी है और सेम नंबर ऑफ लोन पेयर भी है, ऐसा भी तो हो सकता है लोन पेयर भी सेम हो, तब क्या होगा उस केस में, उस केस में बॉन्ड एंगल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, मतलब साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके अलावा एक पॉइंट और हो सकता है तीसरा, अगर साइड एटम डिफर ही ना करे तो, साइड एटम सेम रहे तो अगर ये बाकी की दोनों कंडीशन सेम होंगी तब ये होता है कि बॉन्ड एंगल जो होता है आपका, अब यहां देखिए बॉन्ड एंगल जो होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के, मतलब सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, ठीक है। ये हुआ तीन पॉइंट हम लोग के वेस्पर में लगाने के लिए, ठीक। चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं हम, ठीक है, क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन में लगाते हैं सब चीजों को, ठीक है। और अगर मान लीजिए वेस्पर की भी सारी कंडीशन सेम आ जाती हैं तो उस केस में क्या होगा, आपका बॉन्ड एंगल सेम होगा, ये भी याद रखिएगा, इतना भी नौटंकी नहीं करना है आपको, ठीक, वैसे इतने में ही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अब जो पर्टिकुलर हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर तीन चीजें हैं, क्या क्या है, H2O है, Cl2O है और F2O है, ठीक। अगर मैं देख रहा हूं तो यहां देखिए सब जगह पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि दो बॉन्ड ऑर्डर है और दो बॉन्ड पेयर है और दो यहां पर लोन पेयर है, आप कोई किसी को भी बना सकते हैं, जैसे H2O ही बना लीजिए, ऐसे ही सब बनेंगे। तो ये देखिए इस तरह दो दो यहां पर बॉन्ड पेयर हो गए और यहां पर दो लोन पेयर,
ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इसका मतलब अगर आप देखिए, अब यहां मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर हाइब्रिडाइजेशन अगर आपका, अगर हाइब्रिडाइजेशन यहां पर आपका सेम आ जाता है, ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने क्या कहा था, यू हैव टू गो फॉर द एनबीपीआर, ठीक है। अब एनबीपीआर आपको चेक करना है कि है या नहीं, अगर होगा तो उसका बॉन्ड एंगल मैक्सिमम हो जाएगा। कंडीशन मैंने बता ही दिया था कि साइड एटम क्या होने चाहिए आपके, वो लार्ज होने चाहिए। आप देखिए साइड एटम लार्ज सिर्फ आपका यहां पर है, क्लोरीन आपका लार्ज है ना, मैं कहा था थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड से आगे वाले को हम लोग लार्ज कहेंगे, ठीक है। और बाकी ये आपका सेकंड पीरियड के भी है, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों स्मॉल हो जाएंगे। तो इन दोनों में एनबीपीआर एब्सेंट है लेकिन इसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब Cl2O का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि भाई दो लार्ज एटम अगर साइड एटम लगे हैं तो रिपल्सन करेंगे, रिपल्सन करेंगे। देखिए जैसे अब यहां बता देता हूं, ओ Cl2 है, दोनों बड़े बड़े हैं, ठीक है, इस तरह दोनों का रिपल्सन लगेगा आपस में, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ गया कि नहीं, बस यही चीज है, ठीक। ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब NBPR, अब बाकी दोनों केस में क्या है, F2O और H2O के केस में क्या है कि NBPR तो है नहीं, तो अब हम लोग को वेस्पर में जाना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या मिलता था कि अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन है और लोन पेयर डिफरेंट हो तब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर। लेकिन F2O और H2O दोनों में दो दो लोन पेयर है, तो लोन पेयर भी सेम है। इसका मतलब अगली बात पे जाते हैं। अगली बात क्या कहता है, अगला कहता है कि आपका, आप देखिए अगर नीचे आप आएंगे, अगर यहां पर आप नीचे आके देखेंगे तो मैंने सेकंड पॉइंट क्या लिखा था कि अगर सेम लोन पेयर सेम हाइब्रिडाइजेशन तो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम हम लोग देखते हैं यहां पर। देखिए अब यहां पर देखिए, एक है आपके पास H2O, एक है F2O, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि F2O की मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो उसका बॉन्ड एंगल जो है कम हो जाएगा। तो यहां पर सेकंड क्या जाएगा आपके पास, H2O, और उसके बाद क्या जाएगा आपका H2O, H2O के बाद जो है आपका F2O आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा नेट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, आप यहां पे देखिए यही तो है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये जो मैंने यहां पर ये टोटल लिखा है इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, यही आपका सबसे मेन होता है, ठीक। अगर आपको ये याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन बॉन्ड एंगल का, तो कोई भी क्वेश्चन आपका जो है वो फंस नहीं सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं आपको यहां पर आपको दूसरे क्वेश्चन पे लेकर चलता हूं, ठीक है। देखिए अब यहां पर आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड है और पूछता है कि बताइए किसमें फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका मरुकी मैग्नेट व्हाइट, इसमें पेन ले लेता हूं, ठीक है, ठीक है, व्हाइट पेन ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, ये आपको एक बात ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये हमें कुछ बेसिक सी बात पता होनी चाहिए, ठीक। ये पता होना चाहिए कि अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो अगर जीरो होता है तो मॉलिक्यूल जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक तो ये बात पता होनी चाहिए आप लोगों को, एक बात ये पता होनी चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, आपका ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इसलिए यहां पर इसने पूछा है फ्रैक्शनल, ठीक है। अब देखिए यहां पर, देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने के मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। आप लोग क्या है कि अगर मान लीजिए जानते होंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से MOT, तो वहां पर हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, फिर हम लोग वहां पर ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके तब फॉर्मूला लगाते हैं। ये तो बहुत बेसिक सा मेथड हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। इधर लिख लीजिए आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इधर लिख लीजिए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर लिख लीजिए 2, यहां पर लिख लीजिए 2, यहां पर 2, यहां पर 2, ठीक है, उसके बाद यहां 6, यहां 6, ठीक है। अगर आप इतना याद कर लेंगे तो आपको
आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। देखिए इसमें करना क्या है, ये क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दो दो छह इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। आपको चलना कैसे याद रखेगा, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां आएंगे, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां, यहां से यहां, मतलब इस तरह कुछ आप जिग जैग जो है वो मेथड जो है यहां पर आप यूज करेंगे। करना क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मुझे N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन यहां पे काउंट कर लेना है, इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हैं, 7 × 2 = 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पे। अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, सबसे पहले दो दो, ठीक, जैसे बता रहा हूं वैसे जाइए, यहां से यहां गए, अब यहां से यहां जाएंगे, फिर यहां पे दो दो, कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कितना भरना है, 6 और बचा है तो 6 भर लीजिए, अगर 5 भरना होता है यहाँ 5 भर देते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि हो ही चुका मेरा 8 से 14 हो चुका, जितना इलेक्ट्रॉन भरना था उतना मैंने भर दिया। अब क्या करेंगे, आपको जो सबसे लास्ट वाला फिल हुआ रहेगा आपको देख लेना है कि बॉन्डिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, उन्हीं दोनों का आपको डिफरेंस कर लेना, हाफ ऑफ 6 - 0, ठीक है, आप टोटल जोड़ के करिए या सिर्फ लास्ट वाले कर दीजिए, बात सेम होगी, ठीक है। तो 6 बॉन्डिंग में हो गए, 0 एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक। तो 3 तो फ्रैक्शनल है नहीं, ऐसे आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर वही है कि ये एक आपका एक ट्रिक है, ठीक है, ये कोई मेथड नहीं होता है, ये एक आपका एक ट्रिक बनाया गया है। तो ट्रिक तो ऐसा है ना कि हर जगह आपका सही ही बैठेगी। तो देखिए ट्रिक में क्या है, एक चीज का आपको याद रखना है, सिर्फ सीओ का केस, सीओ का केस जो होता है वो एक्सेप्शनल केस है, इसके केस में आप इस तरह का ट्रिक जो है लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, देखिए सीओ का जो बॉन्ड ऑर्डर बताया जाता है वो 3 निकालते हैं, अगर हम लोग निकालेंगे तो 3 आता है, लेकिन लेकिन यहां पर इसका जो एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर होता है वो थोड़ा सा लेस देन 3 होता है, एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन इसको हम लोग बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात कहां से आती है, जब हम लोग CO से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको CO प्लस बनाते हैं, मान लीजिए CO प्लस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के तो बनाएंगे, और अगर हम लोग यहां पर CO माइनस बनाते हैं, चलिए उसको आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए CO से अगर हम CO प्लस बना रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, बात आती है जब हम लोग यहां पर इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो ये देखा जाता है ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये हमारा नॉन बॉन्डिंग से निकलता है, ठीक है, कहां से, नॉन बॉन्डिंग से, और नॉन बॉन्डिंग से निकलने की वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर होता है इसका 3 होता है और इसका जो होता है थोड़ा ग्रेटर देन 3 हो जाता है, ठीक है। तो CO प्लस का यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो हमारा कहाँ से निकलता है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, जिसकी वजह से CO प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ग्रेटर देन 3 हो जाता है, ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा, इस मेथड से मत निकालिएगा नहीं तो आप गलत कर जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा आपके पास ये है कि अगर आप यहां पर, ठीक है, अगर आप यहां पर क्या करते हैं कि एक मिनट, अब जैसे मान लीजिए अगर आप यहां पे ये करते हैं कि CO प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर इसको आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये क्या बनेगा, CO माइनस बनेगा, ठीक। अब इस केस में इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 3 हम मान के चल रहे हैं, इसका क्या होता है, लेस देन 3 हो जाता है। रीजन, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है ये आपका प्योर एंटी बॉन्डिंग में जाता है, कहां पर, प्योर एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, प्योर एंटी बॉन्डिंग में जाता है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपके, हाँ, प्योर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो आपका क्या हो जाता है, लेस देन 3 हो जाता है। तो CO, CO प्लस और CO माइनस में याद रखिएगा, इसका हम लोग 3 कहते हैं, इसका हम ग्रेटर देन 3 कहते हैं, इसका हम क्या कहेंगे, लेस देन 3 होगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, याद रखिएगा। तो यही चीज यहां पर अगर आप अप्लाई कर देंगे तो मेरे हिसाब से आपको यहां पर आंसर जो है वो मिल जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, CO प्लस का हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होगा। एक चीज याद रखिएगा, जिसका फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होता है वो सभी कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, एक बात ये याद रख लीजिएगा, ठीक। बाकी आप कहीं पर भी चाहेंगे तो ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से आप कोई भी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, ये भी जान सकते हैं कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी आप जो है वो आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। आपके पेपर में, जब मैं आपको बता दूं, एक्चुअल पेपर में इस टाइप के आप चेक कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी कि पूछता है O2, O2 2+,
ठीक है, इस तरह पूछेगा O2 प्लस, अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर जो है वो सेट करिए। चलिए मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूं, इसको आपको क्या है कमेंट बॉक्स में जो है आपको इसका आंसर बताना है कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर तीनों का किसका क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा, और बस आपको यही ट्रिक यूज करिएगा, ट्रिक से आ जाएगा ठीक है। और ऑर्डर बताइएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर का, ठीक है, तो तीनों का बॉन्ड ऑर्डर आपको पता करके बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए ठीक है, अब इसमें हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं अब देखिए ये आपका ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया यहां पर। अब देखिए यहां पर ये क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि एसिडिक नेचर जो है वो किसका ज्यादा होगा, आर्थो एमिनोफिनॉल, मेटा एमिनोफिनॉल या पैरा एमिनोफिनॉल का होगा या सबका बराबर ही होगा। बराबर तो बिल्कुल नहीं होगा, एक ऑप्शन तो ऐसे ही काट दीजिए। तो इसमें देखिए, इसमें जो है हम लोग बात करते हैं, देखिए मैं आपको इसमें बताता हूं। देखिए हम लोग को जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना हो, देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन ऑर्गेनिक वाले अगर ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और मैं कोशिश करूंगा इसको एक वीडियो में आपको बता दूं, ठीक है, पूरा एसिडिक नेचर कैसे कंपैरिजन करते हैं। देखिए एसिडिक नेचर में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि इसमें पहले एनायन बना लेते हैं, ठीक है, और उसमें फिर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ एनायन चेक करते हैं, ठीक है। एनायन कैसे बनाएंगे ये भी एक बात आती है, एनायन बनाने के लिए हम लोग कुछ नहीं करना होता, हमें सिंपली वहां से जो है वो हम लोग एच प्लस जो है वो निकाल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे कभी पूछा गया, मान लीजिए एच टू ओ कहा गया, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे इसमें H प्लस निकाल लेंगे तो यहाँ पे OH माइनस बन जाएगा, तो इसी एनायन की स्टेबिलिटी जो हम लोग वो चेक कर लेते हैं। अब देखिए अगर एनायन बन चुका है, इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सीधी सी बात है कि ये जो EWG ग्रुप होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने भी होते हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, अगर आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, उसको स्टेबलाइज करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच के। वहीं अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे तो ये क्या करेगा, तो ये और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा, तो वो क्या होगा, अनस्टेबल बन जाएगा, ठीक है, तो स्टेबिलिटी तो घट जाएगी, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईडीजी होगा। अब आप बात करते हैं ईडब्ल्यूजी में, तो ईडब्ल्यूजी में आपका आएगा माइनस आई हो गया, माइनस एम हो गया, ईडीजी में आपका प्लस आई हो गया, ठीक है, प्लस एम हो गया, और बाकी आपका हाइपर कंजुगेशन प्लस एच वाला आ जाता है। अब यहां पर देखिए निश्चित तौर पे अगर आपको ये सब सारे इफेक्ट्स नहीं पता होगा अच्छे से तो निश्चित तौर पे आप ईडब्ल्यूजी ईडीजी समझ ही नहीं पाएंगे, तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ईडब्ल्यूजी और ईडीजी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाने में बहुत ज्यादा समय चला जाएगा, तो उसके लिए मैं नहीं यहां पर जाऊंगा। इतना याद रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, याद रखिएगा ईडब्ल्यूजी ग्रुप की जब हम बात करेंगे उसमें खासकर माइनस एम की अगर हम बात करेंगे तो देखिए माइनस एम में कौन कौन आते हैं, NO2 आता है, CN आता है, और आपके जितने भी कार्बोनिल वाले होते हैं, कौन से कार्बोनिल वाले ग्रुप, ठीक है, वो सब आते हैं, NO2, CN और कार्बोनिल, ये माइनस एम में आते हैं, बाकी सब के सब जो होते हैं प्लस एम में आते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपके प्लस एम में जितने भी, चाहे वो OH हो, चाहे NH2 हो, कोई भी हो, ठीक है, N से कोई भी हो, क्योंकि प्लस एम क्या होते हैं, जो देंगे लोन पेयर जिनके पास होगा वही तो देंगे, या कोई नेगेटिव चार्ज वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा ईडब्ल्यूजी में माइनस एम में ये तीन आ जाएंगे, और बाकी ईडीजी ग्रुप में आपके प्लस एम में ये सब बाकी सारे ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है। बाकी आप माइनस आई प्लस आई तो समझते ही होंगे, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ये होता है, यही चीज हम लोग यहां पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहां पर ध्यान दें तो देखिए बात क्या कह रहा है हमसे, ये हमसे कुछ इस चीज की बात कर रहा है, ये हो गया फेनॉल अगर हम लोग बना रहे हैं, ये आर्थो हो गया, ये हो गया हमारा मेटा एमिनोफेनॉल, और ऐसे ही अगर हम बात करें यहां पर तो OH, यहां पे क्या आ जाएगा आपका पैरा, ठीक। अब देखिए जो NH2 होता है इसका क्या लगता है, एक तो माइनस आई लगता है और प्लस एम लगता है, क्योंकि लोन पेयर है तो प्लस एम लगेगा। पैरा पोजीशन पे हमेशा याद रख लीजिएगा, पैरा पोजीशन पे कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट, आपका जो रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट होता है ये नहीं लगता है, यहां पर क्या लगता है सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन लगेगा, ठीक। तो सिर्फ यहां पर माइनस आई लगेगा और यहां पर फिर वही माइनस आई और प्लस एम दोनों लगेगा, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं,
ठीक, याद रखिएगा पैरा पोजिशन पे कभी भी मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो मत लगाइएगा। अब देखिए सीधी सी बात है, कह रहा है कि एसिडिक नेचर, मैंने एसिडिक नेचर की बात यहां पर किया है आपसे कि एसिडिक नेचर के केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो घटाते हैं एसिडिक नेचर, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं बढ़ाते हैं। तो माइनस आई क्या कर रहा है, वो बढ़ाएगा, और दोनों में बाकी में क्या है, प्लस एम है, तो इसका मतलब है कि एसिडिक नेचर जो है वो मेटा का सबसे ज्यादा होगा। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो हम आसानी से क्या कह देंगे कि जो हमारा मेटा वाला है इसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहां पे, मेटा एमिनो फिनॉल। ठीक, चलिए यहां पर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर की। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको आराम से देखिएगा। क्वेश्चन में यह कहता है कि आपको एक रिएक्शन दी गई है और इसमें पूछा गया है कि आपको इक्विवेलेंट वेट बताना है, और इक्विवेलेंट वेट आपको किसका बताना है ये देख लीजिए, इक्विवेलेंट वेट आपको बताना है Fe C2O4 का। ठीक, और जिसके लिए इन्होंने क्या दिया है, मॉलिकुलर वेट दिया है। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू होता है मॉलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। कुल मिला के आपको सारी कहानी एन फैक्टर की जो है वो पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर इक्विवेलेंट वेट कैसे एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जब भी हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कोई भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो कई प्रकार की रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, तो देखिए उसमें हम लोग बेसिकली आप कुछ चीजें याद रखेंगे तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या पता करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज हो रहा है पहले ये पता कर लीजिएगा। दूसरा आपको पता करना है, दूसरा काम आपको क्या करना है कि जो भी चेंज आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है, विथ नंबर ऑफ एटम। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा, चीजें समझ में आएंगी। और तीसरा पॉइंट आपको याद रख लेना है कि कभी भी आपको स्टॉइकोमेट्री को नहीं पकड़ना है। ठीक है, शॉर्टकट में लिख देता हूं, स्टॉइकोमेट्री जो है उसको आपको नहीं पकड़ना है, मतलब उसको आपको इंक्लूड नहीं करना है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए बताया गया आपको कि Cr2O7 2- है, ये आपका Cr3+ में कन्वर्ट हो रहा है, आपसे यहां पे एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए कहता है। तो यहां पे देखिए Cr में क्या है, यहां पे देखेंगे तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहां से यहां का चेंज कितने का आ रहा है, मैंने क्या कहा पहले आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना, आप कहोगे सर 3 का चेंज है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। फिर अगला क्या, मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ एटम, जिसका आपको एन फैक्टर निकालना है, Cr का निकालना है, तो Cr का कितने एटम है, 2 एटम है, तो चेंज से इस नंबर ऑफ एटम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एन फैक्टर। यहाँ स्टॉइकोमेट्री क्या होती है, यहां पर जो होता है, ठीक है, जैसे यहां पे अगर मान लीजिए 2, 3 कुछ भी लिखा होता तो वो आपको कभी भी काउंट नहीं करना है। ये एक बहुत बेसिक सी बात होती है, कभी भी किसी रिडॉक्स रिएक्शन में अगर आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना है तो यही चीज हम लोग यहां पर भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर कह रहा है कि Fe C2O4 का निकालना है। Fe C2O4 में आप अगर देखेंगे तो यहां पर Fe3+ में जा रहा है और CO2 में जा रहा है। आप अगर यहां पर अब चेंज निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। देखिए अब यहां पर देखिए, यहां पर Fe+2 में प्रेजेंट है, यहां पर Fe+3 में प्रेजेंट है, यहां पर कार्बन जो है ये आपका +4 में प्रेजेंट है, नहीं देखिए यहां पर आपका Fe जो यहां पर +2 में प्रेजेंट है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि कार्बन कितने में प्रेजेंट है तो वो आप निकाल सकते हैं। यहां पर आपका कितना आ जाएगा, यहां पर आप निकाल सकते हैं कि Fe, देखिए एक मिनट, ये हो गया आपका Fe2+ और इधर हो गया C2O4 2-। तो यहां पे आप अगर इसका निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x-8=-2, तो x=, कितना जाएगा, +3 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है आपका, ये +3 से यहाँ +4 में जा रहा है। तो यहां से यहां जाएंगे तो देखेंगे चेंज कितने का आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है, और यहां से यहां के जाएंगे तो चेंज कितने का आ रहा है, यहां भी 1 का ही चेंज आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग Fe का निकालते हैं एन फैक्टर तो कितना हो जाएगा,
चेंज इंटू नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम भी एक ही है, मतलब एन फैक्टर एक आ जाएगा। इसकी बात करें अगर हम लोग, तो एक का चेंज है लेकिन दो एटम है, तो टू इंटू वन दैट इज द दो, तो इसका कितना हो गया, दो एन फैक्टर आ गया। ठीक है, तो अगर इस टाइप की कोई रिडॉक्स रिएक्शन मिलती है जिसमें एक एलिमेंट, एक मॉलिक्यूल में दो अलग अलग एलिमेंट के इस तरीके से चेंजिंग हो रही है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों का इंडिविजुअल एंड फैक्टर निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो फाइनल क्या हो जाएगा, 1 + 2 = 3 आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका आंसर, m/3। समझ गए। एक चीज याद रखिएगा, स्टोकोमेट्रिक को कभी भी काउंट मत करिएगा। स्टोकोमेट्रिक मतलब जैसे यहां पर, जैसे मान लीजिए लिखा है MnO4- लिखा है, तो यहां पर अगर 3 लिखा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा n फैक्टर कैलकुलेट करते समय। ठीक है, यहां फिर आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक, इस चीज को समझ जाइएगा। बाकी चेंज ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ एटम से, बस हो जाएगा आपका काम। ठीक, चलिए, ये तो हुआ आपका चौथा क्वेश्चन। और जो मेरे ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं, वो लोग, उन लोगों को मैं इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक, ये सब बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन सबको थोड़ा ध्यान से करिएगा। अगला क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आ गया है आपके पास। देखिए इसमें क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन एक बार पढ़िए, खुद से करने की कोशिश करिए, एक बार खुद से भी एक बार करने की आप लोग कोशिश करिए। चलिए, अब देखिए इसमें पूछता है कि बताइए किसमें लोएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगा। ठीक, अब आपको पहले ये समझना चाहिए कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होता है। यही सब की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है आपका कि इसने चार दिया है, चारों में आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करना पड़ेगा, सब एल्कीन ही दिया गया है। अब एल्कीन की स्टेबिलिटी जो है हम लोग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन। अब देखिए वही होता है, इसलिए मैं कहता हूं कि जीओसी जो होता है वो जान होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अगर वो नहीं आएगी तो फिर कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो हाइपर कंजुगेशन से हम लोग इसको पता करते हैं। मैं आपको बता देता हूं यहीं पर, 2 मिनट में, कुछ नहीं करना है, आप एक चीज याद रखिएगा जो बताऊं उसको याद रखिएगा कि सी डबल बॉन्ड सी से डायरेक्टली कितने अल्फा, मतलब सी डबल बॉन्ड सी से कितने अल्फा हाइड्रोजन आपको मिल जाए, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे उतनी ज्यादा आपका हाइपर कंजुगेशन होगा, उतनी ही ज्यादा एल्कीन जो होगी आपकी वो स्टेबल होगी। मतलब आपको क्या देखना है, सी डबल बॉन्ड सी से कितने अल्फा हाइड्रोजन है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, जैसे अब 1-hexene है, ठीक है, मैं बनाता हूं 1-hexene, 5-6 ये 1-hexene है। ठीक है, यही बना लेते हैं 2-hexene, 4-5, 3-2-5, 1-6 2-hexene हो गया, और इधर बना लेते हैं C 4-5-6 3-hexene। ठीक है, पहले इसमें देख लेते हैं, मैंने क्या कहा, सी डबल बॉन्ड सी से जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फा कार्बन, जो पहला कार्बन होता है इसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं, दूसरे को बीटा कहते हैं। ठीक है, अब ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, इससे जितने भी हाइड्रोजन जुड़ेंगे वो क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, इससे दो हाइड्रोजन जुड़े हैं तो कितने हो जाएंगे, दो अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब इसमें कितना आ गया, दो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसमें देखिए सी डबल बॉन्ड सी है, ए भी अल्फा कार्बन है, ए भी अल्फा कार्बन है, जो डायरेक्टली कार्बन जुड़े होते हैं सी डबल बॉन्ड सी से उनको क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन, उनसे जुड़ा वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर CH3 है और यहां पर क्या होगा, यहां पर देखेंगे तो CH2 होगा, तो 3-2-5 यहां पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, इधर CH2 और आप लगाना चाहेंगे तो इधर CH2 हो जाएगा, और यही दोनों अल्फा हैं क्योंकि यही डायरेक्टली अटैच्ड है, जो पहला कार्बन होता है जो डायरेक्टली अटैच्ड होता है वही अल्फा होता है, उससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, तो 2-2-4 यहां पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है। सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें आया, 2-hexene में, इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर इसको तो आपने चेक ही नहीं किया, आप चेक कर लो, नहीं आएगा ज्यादा। देखिए ये एल्कीन है, सी डबल बॉन्ड सी ये है, इससे जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन कौन सा है, ये है और ये है, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पर भी आपके 2 हैं, तो टोटल कितने हुए, 4 अल्फा हाइड्रोजन, तो नहीं हुआ। ठीक, अब देखिए यहां पर मैंने क्या कहा था
कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जो एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी उसमें सबसे लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। और वही पूछा है लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और तो क्या होगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी वो कौन सी हो गई, 2-hexene। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, चलिए तो देखिए यहां पर आपका लगभग 35 मिनट हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूं कि आपको इसमें 5 क्वेश्चन करा दिया हूं, बाकी मैं आपको अगले वीडियो में जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में जो है वो 5 क्वेश्चन वो मैं करा दूंगा। ठीक है, ताकि आपको वीडियो की लेंथ जो है वो ज्यादा ना लगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आज आपके इस वीडियो में हो गए और 5 क्वेश्चन नेक्स्ट आपको आज ही वीडियो मिल जाएगा, और आज ही उसमें से अगले जो है आपके 5 क्वेश्चन आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको मैंने एक होमवर्क दिया है, उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसको नोट कर लीजिएगा, वही की पॉइंट्स हैं, बाकी क्वेश्चंस तो मेन नहीं होते हैं, क्वेश्चंस रिलेटेड जो की पॉइंट्स होते हैं वो ज्यादा मेन होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले 5 क्वेश्चन आपको अगला वीडियो बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।